नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नवरात्रि कल से शुरू होने वाला है और इस बार 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी को पहला दिन क्या भोग लगाना है और किस तरह से पूजा करना है। नवरात्रि का पावन पर्व 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में लोग मां भगवती के लिए व्रत रखते हैं, जिस दिन 9 दिन अलग अलग माता की पूजा की जाती है। उसी तरह 9 दिन माताओं को अलग अलग भोग लगाने की मान्यता है। आपको आज मैं बताऊंगी कि आपका पहला दिन क्या भोग लगाना है। 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि जब प्रारंभ होता है तो माता रानी शैलपुत्री की पूजा अर्चना से प्रारंभ होता है। शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे सारे रोगों का नाश होता है। अगर हमें किसी भी तरह का दुख है या कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, तो वह सारे दूर हो जाते हैं और शैलपुत्री माता रानी हमें हर संकट से बचाती है। इस दिन सुबह उठकर के नहा धोआ के पूजा अर्चना में हमें लग जाना चाहिए। माता रानी को बहुत ही अच्छा से कुमकुम तिलक करके फूल हार माला चढ़ाने के बाद, अगर कपड़बुत्ती करने के बाद माता रानी को भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता रानी को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है अगर माता रानी के मन पसंद का भोग उन्हें लगाएं तो माता रानी आपका जरूर सुनेगी, आपके हर कष्ट को जरूर दूर करेगी। घर में किसी भी तरह का रोग संकट है तो उसे जरूर नाश करेगी। इसी तरह से नवरात्रि के 9 दिन का अलग अलग भोग होता है। ये माता शैलपुत्री का भोग था, जो कि गाय से बनी किसी भी चीज का होना चाहिए। उनके घी से बनी मिठाई या गाय के दूध से बनी मिठाई, आप किसी भी तरह का, लेकिन गाय के दूध से ही बना होना चाहिए, आप अवश्य चढ़ाइएगा। माता रानी प्रश्न होके आपको आशीर्वाद जरूर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला दिन का भोग यही था। उम्मीद करूंगी पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का फरमाइश हो तो जरूर बताइएगा, मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।